इस ट्यूटोरियल में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मतलब ये सर्कल में कोई ऐसी दो कॉर्ड्स जो आपस में एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हूँ ठीक है तो ये दो कॉर्ड्स हमने ले ली ए बी और सी डी जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक डायमीटर हमने लेना है एक डायमीटर जो इस पॉइंट से होके निकलता हो डायमीटर क्या होता है एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से होकर निकलती हो अब हमें वो वाला डायमीटर लेना है जो इस पॉइंट से भी होकर निकलता हो तो ये मैंने इस पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो ये इसका डायमीटर बन गया ठीक है और साथ में वो ये कह रहा है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये डायमीटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं यानी कि ये एंगल और ये एंगल अगर इसको बोलूँ मैं एंगल वन और इसको बोल दूँ एंगल टू तो एंगल वन और एंगल टू मुझे बराबर दिए गए ठीक है प्रूव दैट द दा कॉर्ड्स आर इक्वल तो हमें अब ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी ये कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं अब इससे पहले मुझे एक कंस्ट्रक्शन करनी है वो क्यों करनी है वो भी मैं समझाता हूँ पहले मुझे ओ से ये सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है और इस कॉर्ड के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है सो ड्रा ओ प्रपेंडिकुलर ऑन से ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी तो ये मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर इसको मैंने पॉइंट को नाम दिया है ई e, और इसको बोला मैंने एफ तो ये मैंने अंदाजे से ही बना दिए थोड़े टेढ़े हो सकते हैं तो यू कैन इग्नोर दैट अब देखो हमने ये ट्राइंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट प्रूव करना है क्यों कॉन्ग्रेट प्रूव करना है हमने क्योंकि हमें इस साइड को ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है जब ये दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपस में बराबर हो जाएगी तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं अब हमें इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करना है लेट्स डू दैट यही दोनों ट्राइंगल्स ले, ले लेते हैं इन ट्राइंगल इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ जी ओके दिस पॉइंट लेट्स कॉल इट पॉइंट जी इन ट्राइंगल ओ जी एंड ट्राइंगल ओ एफ जी ओके तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने ले ली अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखो तो एंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल टू ये दोनों बराबर हैं ये हमें गिवन है ठीक है अच्छा दूसरी तरफ ये जो साइड है ये साइड दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है सो ओ जी इज कॉन्ग्रेंट टू ओ जी ये क्या है कॉमन साइड सो यूजिंग रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये अपने कॉन्ग्रेंट हो गई अब तीसरा ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि हमने खुद ही ये कंस्ट्रक्शन की थी कि ये दोनों लाइंस क्या है परपेंडिकुलर सो एंगल ओ ई जी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ओ एफ जी बाय कंस्ट्रक्शन ठीक है तो अब मेरे पास क्या आ गया यहां पे एंगल एंगल एंड साइड सो ए एस ए एस सो बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रुएंट अब देखो अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए सो अगेन लेट्स यूज सी पी सी टी सी ओवर हेयर तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि ये जो साइड है ये इसके बराबर हो गई सो ओ ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ एफ अब जब ओ ई कांग्रेन टू ओ एफ हो गई तो इससे हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस मीन्स ये जो परपेंडिकुलर सेंटर से हमने इसके ऊपर ड्रा किया इस कॉर्ड के ऊपर और ये परपेंडिकुलर जो यहाँ से सेंटर से इस कॉर्ड पे ड्रा किया है अगर इन दोनों की लेंथ सेम हो तो वो जिन दो कॉर्ड्स के ऊपर बने होते हैं वो भी हमेशा क्या होती हैं सेम लेंथ की सो so, ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे इसमें कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ तो इसका डिस्टेंस ओ से और इसका डिस्टेंस ओ से बराबर है तो ये दोनों कॉर्ड्स आपस में क्या होंगी बराबर सो दिस एम्प्लाइज ए बी इज कॉन्ग्र टू सी डी Hence, proved. अगर इस थ्यूरम का आपको प्रूफ देखना हो तो उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है आप उसको देख सकते हो सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टूटोरियल कीप वॉचिंग मैथे माफिया